कुर्सी में बैठे चश्मा लगाए ये हैं आईएएस अफसर और इनका नाम है नियाज खान। आईएएस ने बोला विवाद हो गया, क्या बोला जिसकी वजह से विवाद हुआ है, जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं विस्तार से बता देता हूं। चलिए खबर क्या है आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अफसर हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं। वैसे इस वक्त समय ऐसा चल रहा है कि आईएएस कुछ ज्यादा ही चर्चा में, लेकिन हम जिन आईएएस साहब की बात कर रहे हैं उनका नाम है नियाज खान। खान साहब इतना ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं कि आप इन्हें जानते ही होंगे, अगर अब तक नहीं जाने हैं तो हम बता देते हैं। नियाज खान साहब अभी तो इसलिए चर्चा में आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल यही शिक्षा ही है जो इस पर नियंत्रण कर सकती है। अब इस बात के कई पक्ष हैं, सभी पक्षों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारा तो नाम ही है विस्तार न्यूज, विस्तार से ही सब कुछ दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जनसंख्या बेकाबू ना हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। और हाँ, 10-10 पैदा नहीं करना है, 10 बच्चे पैदा नहीं करना है, किसी को पैदा नहीं करना चाहिए, मुस्लिम आबादी तो छोड़ दीजिए। विस्तार न्यूज है इसका मतलब परिवार का इतना विस्तार नहीं हो जाना है कि लोग परेशान हो जाएं कि अरे देखो भाई आबादी का बम फट गया ना, इस पर नियंत्रण लगाना है, इस पर विस्तार नहीं जाना है। अब बात आती है आईएएस नियाज खान साहब की। नियाज खान ने यह बात केवल मुस्लिम धर्म के लिए कही है। अब आप ही बताइए क्या एक आईएएस को ऐसी बात करनी चाहिए, वो भी जब तब आप जाति धर्म और लिंग के आधार पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आपकी सेवा शर्तों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। वैसे नियाज खान की ये बात तो सही है कि शिक्षा से ही जनसंख्या को काबू किया जा सकता है, जो सही है उसको सही कहेंगे। लेकिन नियाज खान साहब, आपको किसी एक धर्म की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए था। और अगर आपकी सेवा शर्तें नहीं कहती हैं तो काहे नेतागिरी कर रहे हैं, मत बोलिए, जो काम दिया है सरकार ने वो करिए। और अगर ये सब छोड़ के राजनीति में आने चाहते हैं आप और राजनीति में आने की गुंजाइश देख रहे हैं तो बात अलग है, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गलत है वो तो गलत ही है। नियाज खान के पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, लेकिन वीडियो में कोई सफाई नहीं दी, बस अपने बयान को और एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन मतलब उनका पूरा मतलब क्या था वो पूरा समझा दिया है। सुनना चाहते हैं? आप सोचेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हो, लेकिन नियाज खान क्या बोल रहे हैं ये नहीं सुना रहे हो। सुना दो भाई क्या कह रहे हैं नियाज खान। आज ही मैंने मॉर्निंग में मुस्लिम आबादी को लेकर एक ट्वीट किया था जो पूरे विश्व के संदर्भ में था, और खासकर जो आबादी 2 अरब हो गई, विश्व की आबादी टोटल 8 अरब है और जिसमें 2 अरब मुस्लिम्स हैं जो 57 देशों में रहते हैं, लेकिन अधिकतर की स्थिति बहुत ही खराब है। खासकर अफ्रीका के अंदर 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के अंदर भी ये हाल है। सीधा सीधा आबादी बढ़ने से जीवन प्रभावित होता है, और जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता। अगर हम बच्चे को बचपन से विज्ञान के साथ साथ तो धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाएं तो उससे तार्किक क्षमता होगी और लोग छोटे परिवार के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुस्लिमों के मॉडर्नाइजेशन के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी था, और इसी से लेकर मैंने ट्वीट किया हुआ है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। वैसे भाजपा के नेता तो नियाज खान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है यह सिर्फ असली मुद्दों से भटकाने वाली बात है। नेताओं का बयान सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आईएएस अफसर ने कोई बात कही है, बवाल मच गया है, रिएक्शन प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष का आ गया है। सुनाइए बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से वो चूंकि समझदार हैं, आईएएस हैं, और वो समझते हैं कि अगर किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या मानकर चलिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या वैज्ञानिक बनना है, तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी एजुकेशन की आवश्यकता है। और मौलवी और मदरसों में केवल अगर कोई राष्ट्रभक्ति और देशभक्त नागरिक ही पैदा होते और पढ़े लिखे होते और आगे चल के उनको रोजगार मिलता तो भी समझ में आता। जहाँ जहाँ मुस्लिम जिन जिन कंट्रियों में आबादी बढ़ी है वो आबादी अगर उस देश के बारे में सोचती तो ठीक थी, आज तो उस देश के लिए खसरा बन पैदा हो गई। ये नियाज खान वही नियाज खान हैं जिन्होंने जेल भी भुगती है सास की सेवा में रहते हुए, सरकार ने इनको हमेशा दरकिनार किया है, और ये आज बयान दे रहे हैं इस तरह का। मैं समझता हूँ कि जेल में रहकर जो
अंडरवर्ल्ड की किताब लिख सकता है, उस व्यक्ति के बयान को देश कितनी तवज्जो देगा। मुझे तो ये लग रहा है कि आज जो नर्सिंग घोटाले का जो ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, जो समस्याएं सामने खड़ी हैं, उनको छुपाने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं जब प्रायोजित ढंग से ये ट्वीट करवाया है। अब जिस समाज के लिए नियाज खान साहब ने ज्ञान दिया है, उस समाज के लोग क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरु का क्या कहना है, सीधे मुद्दे की बात ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। नियाज खान साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया की चिंता मत करिए, ऑल वर्ल्ड में मुस्लिम समाज किस तरह से ज्यादा संख्या बढ़ रही है या क्या हो रहा है, उस पर आप इस पर चिंता मत करिए। आपकी मानसिकता मुझे कहीं ना कहीं संगी लगती है। भारत में आप देखिए ना, भारत की जनसंख्या तो कहां 80 और 20 का मामला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में बहुत तेजी के साथ जनसंख्या मुस्लिम समाज की घट रही है। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं है जब आईएएस नियाज साहब ने ऐसा कोई बयान दिया हो। नियाज खान साहब पहले भी ऐसी बहकी बातें करते रहे। नियाज खान अपनी हिंदू सपोर्टिंग आइडियोलॉजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। नियाज ब्राह्मण द ग्रेट नाम की किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को ग्रेट बताया था। उन्होंने अपनी इस किताब में ब्राह्मणों को तेज दिमाग और सुपर ब्रेन बताया था। अब ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, मुझे तो उनकी इस बात पर खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति से महान नहीं होता है, बल्कि इंसान महान होता है अपनी शिक्षा से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से और अपने तेज दिमाग से। कोई अपनी जाति से महान कैसे हो सकता है? नियाज साहब जो ब्राह्मण वाली बात कह रहे हैं, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ।